सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिक यादव। सो आज का टॉपिक होने वाला है बहुत इम्पोर्टेंट, और आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं बिगनर्स के लिए और मेरे उन व्यूअर्स के लिए जो बिल्कुल अभी जिम जाने वाले हैं, जिम जा रहे हैं, तो ये गलती वो ना करें और पहले से ही अगर बच के चलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देंगे तो उनके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। और मैंने ये वीडियो बहुत ही सिंपल वे में बनाई है, और ये वीडियो एंड तक देखना, तभी आपको समझ आएगा कि आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो पहला पॉइंट है हमारा, इंप्रूव योर स्ट्रेंथ बाय बॉडी वेट एक्सरसाइज। बॉडी वेट एक्सरसाइज इसलिए क्योंकि मैं ज्यादातर लोगों को देखता हूँ, जब जब लोग जिम आते हैं तो वो क्या करते हैं, मशीनों पे वेट लगाना चालू कर देते हैं। एक प्लेट, दो प्लेट, नहीं लग रहा फिर भी मारे जा रहे हैं, अपना पोस्चर खराब कर रहे हैं, लेकिन इससे आपकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ने वाली। आपकी स्ट्रेंथ जो इम्प्रूव हो सकती है वो सिर्फ बॉडी वेट एक्सरसाइज से हो सकती है, लाइक पुशअप्स, लाइक चिनअप्स, इन चीज़ों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सबसे ज्यादा मिस्टेक ना लोग ये करते हैं, आए जिम में एक प्लेट लगाई, उसके बाद सीधा 10-15 प्लेट दोस्तों को दिखाने के लिए शो ऑफ, या कहते हैं ना कि ईगो लिफ्टिंग, ये सब नहीं करना है हमें, हमें अपने पोस्चर पे ध्यान देना है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि हमें सबसे पहले अपने पोस्चर पे ध्यान देना। अगर आपका पोस्चर अच्छा रहेगा तो आपकी फिजिक भी डेवलप होगी, आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और आप ज्यादा अच्छे रिजल्ट ले पाओगे अपनी बॉडी से। तो हमें क्या करना है, सीधा पहले 3 प्लेट लगानी है, अच्छे से मूवमेंट लेनी है, पोस्चर लेना और अपना चेस्ट पे फोकस करना है, चेस्ट के मसल को एक्टिव करना है और अपने चेस्ट पे फोकस करना है। ये हुई ना पंप। यार आज डाइट तो बनी नहीं, आज बर्गर खाते हैं मैकडी का, वो भी तो फैट ही है, कार्ब्स ही है, तो यही खा ले, मेरा ट्रेनर ही वही खा रहा था। चलो ये आपकी तीसरी मिस्टेक है, आप डाइट को लेके बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है। अगर आप डाइट को लेके बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो आप कभी कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अपनी डाइट पे स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, आपको फोकस रहना चाहिए कि आपकी क्या मील्स है, आपके माइक्रोज मैक्रोज आपने जो काउंट करे हुए, कौन सी मील कितनी है, कौन सी मील में कितने कार्ब्स प्रोटीन फैट जा रहा है, तो आपको इस चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो हमारा तीसरा पॉइंट ये था। हेलो भाई, यार मुझे 50,000 रुपये यार उधार चाहिए यार भाई, यार बॉडी बनानी है यार, प्रोटीन आना है और मेरे ट्रेनर ने बहुत खर्चा बता दिया यार, BCAA, ग्लूटामाइन, ये प्रोटीन कहाँ से लाऊंगा यार, पापा को बोलूँगा, पापा तो मार डालेंगे मेरे को यार, 50,000 दे दे। कितने? 5% ब्याज लेगा। चल भाई ले लियो यार, दे तो दे। ये हमारी चौथी मिस्टेक, हमारे पास गुड सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है लेकिन हम उधार ले लेके बॉडी पे लगा रहे हैं। इस चक्कर में ना मैंने बहुत लोगों को बॉडी बिल्डिंग से बाय बाय करते हुए देखा है। कभी भी ये काम मत करो, पहले अपनी सोर्स ऑफ इनकम बनाओ। जब आपकी सोर्स ऑफ इनकम होगी ना तो आपकी बॉडी भी अच्छी दिखेगी, क्योंकि आप बॉडी पे अच्छी तरह पैसे लगा पाओगे। जो हमारी ये फिटनेस लाइन है ना, ये बहुत एक्सपेंसिव है, क्यों? क्योंकि लोग ना समझते नहीं है, लोग 10,000 रुपये दारू पे तो फूक देंगे लोग, लेकिन प्रोटीन लेने में लोग सोचते हैं यार शिट 10,000 का प्रोटीन या इतने का प्रोटीन। अगर आपको 100 की भीड़ में एक अकेला दिखना है ना तो आपको वैसे ही जीना पड़ेगा, आपको उन सबसे अलग रहना पड़ेगा। लोग पार्टी करते हैं, दारू पी रहे हैं, तो उनकी लाइफ भी उसी तरह है, लेकिन आपकी लाइफ अगर आप फिटनेस आपने चूज करी है ना तो आपकी लाइफ बहुत डिफरेंट है। तो हमारी फोर्थ मिस्टेक यही है कि आपको अपने पहले गुड सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहिए, सब सोचना चाहिए फिटनेस इंडस्ट्री में अच्छे लेवल पे जाने का। और ट्रेनर ने दे दिया है प्रोटीन और एक्सटेंड का BCAA और प्री वर्कआउट, आप बना देंगे बॉडी। सो ये हमारी पांचवी मिस्टेक, हमें जिम जाए हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ लेकिन हमें सप्लीमेंटेशन चाहिए, डाइट हमारी कुछ भी नहीं है लेकिन हमें सप्लीमेंटेशन चाहिए, वेट हमसे उठ नहीं रहा लेकिन हमें सप्लीमेंटेशन चाहिए। ये हमारी फिफ्थ मिस्टेक है कि हमें अपनी गुड ईटिंग हैबिट्स बनानी चाहिए। डायरेक्टली डोंट गो फॉर द सप्लीमेंटेशंस, सप्लीमेंटेशन अच्छी है लेकिन वो सप्लीमेंट है, उससे पहले आपको अपनी हैबिट्स अच्छी करनी चाहिए खाने की।
आपको खाने की हैबिट्स बनानी चाहिए अपनी, जस्ट 6 मील तो 4 मील लो, लेकिन 4 मील प्रॉपर लो। जब आप 4 मील प्रॉपर लोगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। जब आपको रिजल्ट मिलेगा आपको आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, तो आपको और भूख लगेगी, आपको और भूख लगेगी तो फिर मील बढ़ती चली जाएगी। जब आपको लगे मैं मील से अपना न्यूट्रिशन पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, जब आपको सप्लीमेंटेशन की तरफ जाना चाहिए। तो हमारी पांचवी मिस्टेक ये थी। तो गाइज आज की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि और लोगों को इस मेरी वजह से कोई अगर उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हुई हो तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। ये चैनल मैंने आपको मोटिवेट और अपने आप से इंस्पायर्ड करने के लिए चैनल बनाया है, ताकि मैं किसी की लाइफ में कुछ वैल्यू भी अगर ऐड कर सकूँ ना, तो मेरा मकसद पूरा है। बाय।